मैं एनडब्ल्यूएम मास्टर डॉक्टर संगीता प्रेदी एनडब्ल्यूएम स्पिरिचुअल लिविंग में आपका स्वागत करती हूँ। एनडब्ल्यूएम नॉन इन्वेसिव ड्रगलेस हीलिंग थेरेपी है और इसके कई रूल्स हैं। एनडब्ल्यूएम स्पिरिचुअल लिविंग के माध्यम से आज मैं आपको बताऊंगी कि करवा चौथ के दिन आप क्या बिल्कुल ना करें और आप क्या करें जिससे आपकी करवा चौथ और शुभ होगी। पहले जानते हैं कि आप क्या ना करें। करवा चौथ के दिन आप सुई धागे का बिल्कुल प्रयोग ना करें, यानी आप कोई सिलाई कढ़ाई बुनाई का कोई भी काम ना करें। नंबर टू, करवा चौथ के दिन आप कोई चीज भी काटे ना, यानी नाइफ का चाकू का उसी बिल्कुल प्रयोग ना करें। आपको जो भी चीज़ काटनी है, अगर आपके पास कोई और काटने वाला नहीं है तो आप एक दिन पहले ही काट कर रखें। नंबर थ्री, करवा चौथ के दिन आप किसी भी कीड़े वगैरह को बिल्कुल ना मारें। उस दिन आप किसी से ममुटाव ना करें, किसी से कोई ऐसी बात ना करें कि जिससे उसका मन दुखे और वो आपको बददुआ दे। यानी उस दिन कोशिश करें कि जो भी आपके आसपास हो उसकी आप हेल्प करें और उसे आशीष लेने की कोशिश करें। नंबर थ्री, आपके घर में जो भी बड़े हैं उनसे आप आशीर्वाद लें। अगर आप कहीं ऐसी जगह रहते हैं कि आपके बड़े आपके साथ में रहते हैं, उनके आपकी मदर इन लॉ या आपके जो भी सिस्टर इन लॉ यानी जेठानी वगैरह हैं वो आपके साथ नहीं रहती हैं, तो आप उनसे तो उस दिन आप उनसे फ़ोन पर ज़रूर बात करें, उनका फ़ोन पर ही आप आशीर्वाद लें। और आप जहाँ रहते हैं आपके पास जो भी बुजुर्ग महिलाएँ हैं या आपसे बड़ी एज की हैं आप उनका भी आशीर्वाद लें। तो इस तरह से आप अपने करवा चौथ को शुभ मनाएं सभी का आशीर्वाद लें और आशा करती हूँ कि आपकी करवा चौथ शुभ होगी, आपके पति की लंबी आयु होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।